फ्रेंड्स, आज हम आपको लेकर आए हैं ट्विन स्ट्रीम एमआरएस के पास। आइए देखते हैं इस एमआरएस में क्या क्या लगा होता है, कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, और इसके फिल्टर को आज क्लीन करेंगे, फिल्टर कार्टेज निकालेंगे और देखेंगे फिल्टर कार्टेज कैसे निकलती है और कौन कौन से बाल बंद करने होते हैं। तो देख रहे हैं, जहाँ तक आप देख पा रहे हैं, ये जो बाल है ये फिल्टर के लिए है। इस बाल को हम अभी बंद करेंगे, और ये इनलेट बॉल है इसको भी बंद करेंगे। ये इनलेट बॉल जो आप देख पा रहे हैं ये दिखाई दे रहा है आपको, और उसके बाद इस को बंद करने के बाद यहाँ से पहले इस फिल्टर की इस बॉल को खोल करके वो वेंटिंग पॉइंट जो आप ऊपर देख पा रहे हैं वहाँ से गैस को निकाल देंगे। जब इसकी गैस निकल जाएगी तब हम इसके ये जो नट लगे हुए हैं इनको खोलेंगे और इसमें से कार्टेज निकालेंगे। तो देखते हैं अभी इसको कैसे करते हैं, ठीक है, आइए चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, हमने इसके वो नट को निकाल लिया है, बोल्ट खोल लिए हैं, अब हम इसकी कार्टेज को निकालेंगे जैसा कि हमने आपको बताया था। तो अब शुरू करते हैं। ये देखो, हमने इसके ढक्कन को उठाया, इसमें से ये कार्टेज पड़ी हुई है, कार्टेज हमारी ये निकल के ये देखो आ गई। ये आप चारों तरफ से देख पा रहे हैं कि कार्टेज एकदम से क्लीन है, मतलब अभी डस्ट इसमें ज़्यादा नहीं है। तो इसको हम सही से भी से यूज कर सकते हैं, इसको कंप्रेसर से एयर मार के इसको दोबारा से लगाएंगे और ये साफ़ ही है, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है फिल्टर कार्टेज चेंज करने की। जब ये पूरी तरह से ख़राब हो जाती है तब हम इसे चेंज करते हैं। वैसे शेड्यूल में तो 1 साल का होता है, लेकिन अगर सही है तो हम इसे ही यूज कर सकते हैं। चलो अब हम इसको इसके अंदर डालते हैं। सही से हमने इसको इसमें कार्टेज को इसमें फिक्स कर दिया, और इसके बाद इसमें चारों तरफ से ग्रीस लगाएंगे। इसको उंगली से ग्रीस को लगाते हुए, और ग्रीस लगाने के बाद इसको हम इसको ढक्कन को बंद कर देंगे। इस प्रकार से हम फिल्टर कार्टेज को फिल्टर को क्लीन कर लेते हैं, और क्लीन करने के बाद हमारा इसमें मेंटेनेंस हो जाता है और फिल्टर कार्टेज भी चेंज हो जाती है। और इस प्रकार इनके नटों को पूरी तरह से टाइट कर देते हैं ताकि कहीं से गैस को लीकेज ना रह जाए, और उसके बाद फिर उसका एक लीक टेस्ट कर लेते हैं। इस तरीके से फिल्टर कार्टेज चेंज हो जाती है। चलिए फ्रेंड, जानते हैं कि एम आर स्किट के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं। तो स्किट के मुख्य कार्य जो होते हैं उसमें पहला सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण कार्य होता है गैस के प्रेशर को रिड्यूस करना। नहीं, सबसे पहले गैस को फिल्टर करते हैं, गैस में डस्ट के पार्टिकल को अलग कर लेते हैं, उसके बाद गैस रेगुलेटर में जाती है। तो गैस सबसे पहला जो मुख्य कार्य हुआ गैस को फिल्टर करना। उसके बाद दूसरा जो मुख्य कार्य हुआ गैस के प्रेशर को रेगुलेट करना, यानी कि प्रेशर रिड्यूसिंग डिवाइस जो रेगुलेटर है वो प्रेशर को रिड्यूस करती है, यानी कि 4 bar से 2 bar में कन्वर्ट कर देती है। तो डिजायर प्रेशर जो हमारा होता है वो 2 bar होता है कस्टमर का, तो उसके हिसाब से ये गैस का रेगुलेटर जो है उसको कम कर देता है। तो दूसरा मुख्य कार्य क्या हुआ, गैस को रेगुलेट करना। और तीसरा जो मुख्य कार्य है वो है गैस को मीटरिंग करना। तो मीटरिंग करने के लिए इसमें जो मीटरिंग डिवाइस लगी रहती है उससे गैस की मीटरिंग करते हैं। तो आपने जान लिया दोस्तों कि एमआरएस स्किट के मुख्य 3 कार्य होते हैं, वो वहाँ पर होने ही होने होते हैं, गैस को फिल्टर करना, रेगुलेट करना और गैस की मीटरिंग करना। तो आज इसके जो ट्विन स्किट है आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपकी सबकी डिमांड पे हम ये आए हैं, यहाँ पर आए हुए हैं कि 250 mm की स्किट है गैस की, जो गैस को देती है। गैस इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा रोल होता है गैस इंडस्ट्री में। और इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, आइए जानते हैं उन पार्ट्सों के बारे में, और वो पार्ट्सों का क्या क्या काम होता है जो लगे हुए हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ से कि आप देखते हैं कि देखो कौन पर हम आज शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमारा इनलेट है, यहाँ से गैस आती है नीचे MDP से, और फिर ये TF लगा हुआ है प्लंज के द्वारा, GF यानी कि ट्रांजिशन फिटिंग यहाँ पर होती है नीचे प्लास्टिक की लाइन की। उसके बाद ये गैस यहाँ से आ जाती है, ये ट्विन स्ट्रीम है इसलिए 2 भागों में पड़ जाती है। एक आपने देखा ये बाईपास लाइन लगी हुई है, और ये आप ये फिल्टर में चली गई, ये फिल्टर है, फिल्टर को क्लीन करते हैं। ये फिल्टर इसलिए लगाया जाता है ताकि गैस में डस्ट के पार्टिकल को अलग से निकाला जा सके, और जो हमें गैस है वो शुद्ध मिल सके, ताकि हमारे इक्विपमेंट जो लगे हुए हैं वो खराब ना हो। जैसे रेगुलेटर है, अब उनमें रेगुलेटर में डस्ट नहीं जाएगी, तो इसको हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। इसमें देखिए एक लेड बॉल लगा हुआ है ये यहाँ पर,
और एक ये यहाँ पर आउटलेट वाल लगा हुआ है। इन दोनों वालों को अगर हम बंद कर देंगे तो इसकी सप्लाई बंद हो जाएगी और वो जो बाईपास वाल लगा हुआ है उसे खोल देंगे, उसको खोल के इसको हम मेंटेनेंस कर सकते हैं। इसको खोल के इसमें कार्टेज लगी होती है, उसे कार्टेज को निकालेंगे तो देखेंगे कि कार्टेज कैसे लगी हुई है और उस कार्टेज को निकाल के हम इसको क्लीन कर लेते हैं। और अगर कभी हमें इसको ड्रेन कराना होता है इसको बिना कार्टेज निकाले ही, तो आप देख पा रहे हो नीचे एक ग्रीन बॉल दिया हुआ है। इस बॉल को खोलेंगे और ये प्लग खोलेंगे, पहले प्लग खोल लेंगे फिर ये बॉल खोल के यहाँ से गैस को ड्रेन करा देते हैं तो डस्ट के पार्टिकल इधर बाहर निकल जाते हैं। तो इसका मेन रोल यही होता है, क्योंकि जब भी हमें इस पर काम करना होता है तो इनलेट और आउटलेट वाल्व को बंद कर लेते हैं और उसके बाद सबसे पहले इसके द्वारा वेंटिंग जोड़ने को देखा है, वहाँ से गैस निकल रही है तो वहाँ से डस्ट के पार्टिकल निकल जाते हैं और उसमें से जो गैस है वो बाहर निकल जाती है और ये खाली हो जाता है। जब ये खाली हो जाता है तब हम इसे खोलते हैं। तो ये तो होती है इसकी फिल्टर की कार्रवाई। उसके बाद आगे चल के हमारा दूसरा जो पार्ट लगा हुआ है ये यहाँ आते हैं, दो भागों में बटी हुई है, एक स्ट्रीम ये हो गई आपकी एक्टिव और एक मॉनिटर, इनकी दो स्ट्रीम होती है, एक स्टैंड बाई पोजिशन पर रहती है, एक वर्किंग होती है। जब ये फेलियर होता है एक स्ट्रीम का तो दूसरी स्ट्रीम फोटो कटिंग चालू हो जाती है, ठीक है सर। इसके बाद दोस्तों देखा आपने कि यहाँ जो बॉल के द्वारा ये दो रेगुलेटर लगे हुए हैं, जिस स्ट्रीम का ये रेगुलेटर है उधर का वो रेगुलेटर है। रेगुलेटर कई प्रकार के होते हैं, एक ब्रेस टाइप होता है, एक फुल टाइप होता है, कई कंपनियों के होते हैं। यहाँ पे हम पिछले ट्वेल्व का रेगुलेटर लगा हुआ है जो उल्टा है, जैसे पिन लगा के ऐसे खींचते तो रेगुलेटर रिसेट हो जाता है, तो गैस हमारी इस रेगुलेटर के माध्यम से आगे चली जाती है। और उसके बाद ये यहाँ पे लगा हुआ है प्रेशर गेज, तो आप देख पा रहे हैं इस गेज से हमें प्रेशर का पता चल जाता है कि गैस इस पाइपलाइन में आ गई है। और उससे पहले यहाँ पर एक CRV लगी होती है, क्रिप रिलीफ वाल्व। जब भी लाइन में एक्सेस प्रेशर यानी कि ज़्यादा जो सेट प्रेशर है उससे ज़्यादा प्रेशर होता है तो यहाँ से गैस बाहर निकल जाती है और ये पॉप अप करने लगती है, जितने एक्सेस प्रेशर को बाहर निकाल देती है, जिसकी वजह से हमारा जो लाइन में प्रेशर होता है वो वही प्रेशर जाता है, ज़्यादा प्रेशर नहीं जाना चाहता। और जब हमें इस पर काम करना होता है तो उसके लिए आउटलेट का बॉल लगा हुआ है, ये बॉल है, इन दोनों बॉलों को बंद कर लेंगे तो बीच में हम रेगुलेटर को चेंज कर सकते हैं या कुछ कार्य करना होता है जिसके द्वारा यहाँ पे कार्य हो जाता है हमारा। अब आपने देखा सेम इसी तरह दूसरी स्ट्रीम भी है, जब हमें उस स्ट्रीम पर काम करना होता है स्ट्रीम को चला के रखते हैं या इसी स्ट्रीम पे काम करना होता है तो उसको चालू रखते हैं, यानी कि एक स्ट्रीम को एक बार में चालू रखते हैं और एक पे कार्य करते हैं। तो आपने देखा इसके बाद ये गैस हमारी पाइपलाइन के द्वारा ये तो बाईपास लाइन दी हुई है, अगर हम मीटर चेंज करता हूँ तो पहले यहाँ पर नया मीटर लगा लेंगे उसके बाद दूसरे मीटर को निकालेंगे, इसलिए यहाँ पर ये बाईपास लाइन दी हुई है ताकि कस्टमर की गैस सप्लाई इफेक्टेड ना हो। आप देख पा रहे हैं इसमें से जो बॉल लगा हुआ है इसके थ्रू यहाँ पर एक मीटर है, ये आईट्रॉन का मीटर है, ये देखो इंडेक्स दिखाई हुई है, इसमें देखो रीडिंग हम यहाँ से नोट कर लेते हैं। और इसकी रीडिंग इसके साथ ये एक EVC अटैच रहता है जो इलेक्ट्रिकल वॉल्यूम EVC यानी कि इलेक्ट्रिक वॉल्यूम कन्वर्टर होता है, इसमें ये रीडिंग करेक्टेड रीडिंग को एज पर प्रेशर और एज पर टेम्परेचर के द्वारा इसको वेरी करके इसमें करेक्टेड रीडिंग को दिखाता है। इसमें EVC में जैसे आप देख पा रहे हैं प्रेशर है, टेम्परेचर है, करेक्शन फैक्टर है और फ्लो रेट है, सभी अभी ये बंद हुए, फ्लो रेट अभी जीरो है, अभी कस्टमर गैस इसको यूज नहीं कर रहा है, जब यूज करेगा तो यहाँ पर दिखाई देगा, इसके सारे कॉन्फ़िगरेशन इसमें दिखाई देते हैं। और इसमें जो तीन वायर लगे रहते हैं आइए जानते हैं इनके बारे में। एक जो हमारा यहाँ पर मीटर के साथ अटैच रहता है ये पल्स केबल होता है, दूसरा ये अटैच रहता है ये टेम्परेचर सेंसर है, इसको शॉर्ट में TT कहते हैं यानी कि टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर, और ये दूसरा वाला जो है मोटा सा ये हमारा प्रेशर सेंसर है, इसमें प्रेशर को सेंस कराता है, यानी कि इसको शॉर्ट में कहते हैं PT यानी कि प्रेशर ट्रांसड्यूसर, और ये हमारे EVC को डेटा ट्रांसफ़र करता है, इसकी मदद से ही हम कैसा का कैंसिल करते हैं रेडियो द्वारा वो वेरी करते हैं। इसके बाद इसमें अगला जो पास लगा होता है वो जो हमारा NRV, ये हमारा NRV लगा रहता है, ये नॉन रिटर्न बाल होता है, यानी कि गैस को सिर्फ एक ही दिशा में आगे जाने देता है, पीछे नहीं जाना था, ये कस्टमर की इसके भी आउटलेट लाइन है, यहाँ पर गैस कस्टमर की सप्लाई दो बार में गैस जाएगी, यहाँ पर ये गैस लगा यानी कि दो बार का प्रेशर यहाँ से जा रहा है। तो हमने देखा इसमें इतने सारे पार्ट्स लगे रहते हैं उसके साथ, हाँ, और ये फिल्टर के साथ ही अटैच है ये इनलेट पे, यहाँ पर ये जो लगी हुई है ये एक सेफ्टी बॉल है, इस सेफ्टी बॉल को प्रेशर सेफ्टी बॉल, ये प्रेशर सेफ्टी बॉल है ये PSV कहते हैं, और जो आउटलेट इनलेट आउटलेट पे लगी है वो CRV है, और ये आपकी PSV है प्रेशर सेफ्टी बॉल, यानी कि लाइन में जब इनलेट लाइन में जब ज़्यादा प्रेशर होता है एक्सेस प्रेशर को ये रिलीज कराती है और पॉप अप करने लगती है PSV प्रेशर सेफ्टी बॉल, तो ये इसका फंक्शन है। और इसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर एक गेज भी लगा हुआ है, ये जो गेज है वो हमारा एक गेज से भिन्न है, ये हमारा डिफरेंशियल प्रेशर गेज है, ये जो है ना इसको फिल्टर के इनलेट और आउटलेट का प्रेशर को डिफरेंस को बताता है, अगर हमारा फिल्टर चौक हो जाएगा तो इनलेट के प्रेशर आउटलेट के प्रेशर में डिफरेंस आएगा
वो वहाँ पर शो कराएगा कितना डिफरेंस आएगा, तो हमें पता चल जाता है फिल्टर की कार्टेज में डस्ट आ गई है और इसकी वजह से हमारा प्रेशर जो है वो ड्रॉप होने लगता है और हम फिर उस फिल्टर कार्टेज को निकाल के साफ क्लीन करके दोबारा से लगा देते हैं और हमारा वो फिल्टर प्रेशर सही हो जाता है। तो ये इसकी कहानी है कि डाइसर CMH की स्किड है, इसको स्ट्रीम स्किड कहा जाता है, इसमें दो लाइनें होती हैं ना, इसलिए इसको स्ट्रीम कहा जाता है। ठीक है, सोलर लगा हुआ है, ये हमारा बैटरी बॉक्स होता है और उसमें एक मॉडम भी लगा रहता है और ये सोलर पैनल से अटैच होता है, वो सोलर पैनल में इसका पावर सप्लाई जाके स्टोर हो जाती है और इसके साथ ये एंटीना लगा रहता है, इस मॉडम के साथ अटैच रहता है, इसमें एक सिम कार्ड लगता है, जैसे वो हमारे पास इंफॉर्मेशन भेजता है, मॉडम के थ्रू हमें रीडिंग मिल जाती है या इसकी ट्रिप होती है तो उसका SMS अलर्ट मिलता है, इसके लिए ये अटैच रहता है। ठीक है, इसका काम यही है, इसको मॉडम को सिग्नल भेजना और सिग्नल को रिसीव करना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।